एवरीवन, वेलकम टू इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और मेरे साथ मौजूद है शिवान। इस बार की खबर कहां से आई है ऐश्वर्या? इस बार की खबर जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो आई है सीधा लॉकअप से, हमारी कंट्रोवर्शियल क्वीन यानी कंगना रनौत का शो लॉकअप। इस बार वो शो इतना फेमस हो चुका है, तुम्हें पता है कितने तो अवार्ड ले लिए उसने। मतलब बिग बॉस से भी ज्यादा फेमस चल रहा है ये शो। एकता कपूर का शो हो और टीआरपी ना हो, ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। मतलब एकता कपूर का अगर शो की हम बात करें तो उसके अंदर टीआरपी का नाम तो जाहिर सी बात है कि कसौटी जिंदगी याद है? हाँ, उसके अंदर भी काफी ज्यादा टीआरपी आई थी और साथ ही साथ अब लॉकअप भी इसी मतलब ऊपर जा ही जा रहा है। मतलब लॉकअप भी काफी ज्यादा टीआरपी हासिल तो कर रहा है, साथ ही साथ उसकी कंटेस्टेंट जो है वो भी काफी ज्यादा, उनको फेम मिल रहा है, काफी ज्यादा फेमस हो गए उनके कंटेस्टेंट। लेकिन इस बार के जो जेलर साहब हैं हमारे करण कुंद्रा जी, लेकिन वार्डन कौन आई है? अब जाहिर सी बात है करण कुंद्रा तो उनकी गर्लफ्रेंड ही होगी वार्डन भी, मतलब तेजस्वी प्रकाश जो कि मतलब इन दोनों की जाहिर सी बात है, ये अगर हम इन दोनों की बात करें तो बिग बॉस का नाम तो लेना बनता ही है। और बिग बॉस में इन्होंने दोनों ने क्या धमाल मचाया था वो भी देखने वाला था। इस बार की क्वीन वार्डन है तेजस्वी, लेकिन इससे भी बड़ी बात तुम्हें बताऊंगी। इस बार चर्चे में वो अपने कपल की वजह से नहीं आई है कि करण कुंद्रा और उनका कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। इस बार पैसों का मामला सामने आया है। अच्छा, मतलब अगर बिग बॉस की अगर हम बात करें तो तेजस्वी ने सबसे ज्यादा वो पेड कंटेस्टेंट थी, साथ ही साथ जब उनकी नागिन में बात आई तो उसके नागिन की भी जो उनकी फीस थी वो जो चार्ज करती थी वो भी काफी ज्यादा थी। लेकिन अगर अब तुम बात करो लॉकअप की तो मैं तो मतलब ये पहले से जान चुकी हूँ कि उसके अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा चार्ज किया, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उन्होंने कितना चार्ज किया। अब यहाँ तक बात आ गई है कि अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा से ज्यादा चार्ज किया है उन्होंने। क्या बात है, मतलब तेजस्वी प्रकाश के तो मौज ही मौज है। सुनने में आया है कि एक एपिसोड के 3 लाख रुपए ले रही हैं इस बार तेजस्वी। क्या बात है, मतलब और करेंगी कितने एपिसोड? ऐसा नहीं है कि पूरा शो 3 लाख में वो कर रही हैं, नहीं, केवल 3 एपिसोड। तो 3 एपिसोड में कर रही है काम और भाई उन्होंने तो सेट कर दिया है अपना लेवल। मतलब उन्होंने सच में मतलब ऐसा कर दिया है कि बस अगर अब तेजस्वी प्रकाश किसी और शो में जाएगी तो मतलब उसके डबल ही चार्ज करेंगी। तो पहले से ही प्रोड्यूसर्स को सोचना होगा कि भाई तेजस्वी को, उसके बाद अब तेजस्वी को लाना है तो टीआरपी तो तभी बढ़ेगी जब करण भी साथ आएंगे। साथ में बिल्कुल, मतलब देखा गया था कि इन ये दोनों की जो जोड़ी है वो आखिर मतलब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है और काफी ज्यादा दोनों स्पॉट भी होते रहते हैं, और मतलब देखा जाता है कि व्यूअर्स जो है वो इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। पसंद अब लोगों को पसंद है तो प्रोड्यूसर्स को तो करना ही पड़ेगा, मतलब टीआरपी तो इसी वजह से आएगी। और तुम्हें एक और बात बता दूं, अभी तक ये सामने नहीं आया है कि फिनाले में तेजस्वी आएगी नहीं आएगी, लेकिन फिनाले तो मेरे को लगता है आज ही है, आज रात 10:30 बजे फिनाले। अब जीतेगा कौन ये जानना हमें है। जानना है यार, मैं तो इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शिवानी, मुझे पता है तुम भी। मैं बहुत हूँ, क्या आप हैं? अगर आप हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फेवरेट कौन है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि क्यों बताओ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप पहले हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। बिल्कुल, वैसे सूत्रों में ये भी पता चल रहा है ऐश्वर्या कि लोगों को लगता है कि मुनव्वर जीतेगा इस बार। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि मुनव्वर जीतेगा या फिर शिवम शर्मा जीतेगा या फिर प्रिंस नरूला जीतेगा, ये तो कंगना की जेल में पता चलेगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कौन लगता है कि कौन सा जो कैदी है वो जीतेगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।